विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दीर्घकालीन लागत पत्रों के बारे में। विद्यार्थियों, हमने इससे पहले अल्पकालीन लागत पत्रों को जाना था। अल्पकाल तथा दीर्घकाल का अंतर भी हम आपको समझा चुके हैं। अल्पकाल अर्थात इतना समय जिसमें कि हम उत्पादन के स्थिर साधनों में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, लेकिन दीर्घकाल जो है ये इतना अधिक समय होता है कि हम इसमें उत्पादन के जो स्थिर साधन है उनमें भी परिवर्तन कर सकते हैं। यानी दीर्घकाल में कोई भी साधन जो है वे स्थिर साधन नहीं होते, सारे के सारे साधन कैसे होते हैं, परिवर्ती साधन हो जाते हैं या सारी आदतें परिवर्ती हो जाती हैं। तो दीर्घकाल में चूंकि जो कुल लागत है, जब सारे साधन परिवर्ती हो जाते हैं तो जो कुल लागत होती है वह कुल लागत भी कुल परिवर्ती लागत के बराबर होती है, यानी यहां पर कोई भी स्थिर लागत नहीं होती है। अब हमने पैमाने के प्रतिफल के बारे में भी पढ़ा है। दीर्घकाल में पैमाने के प्रतिफल कार्य करते हैं, अर्थात जब वस्तु के उत्पादन में हम एक निश्चित अनुपात में वृद्धि करना चाहते हैं तो सभी आगतों में आनुपातिक वृद्धि करके निर्गतों की मात्रा में वृद्धि कर सकते हैं। अर्थात जो पैमाने के प्रतिफल हैं, यानी अगर मान लीजिए हमको अपने निर्गतों में 4 गुनी वृद्धि करनी है तो हम अपनी आगतों में 2 गुनी वृद्धि करते हैं जिससे कि हमारे निर्गत 4 गुने हो जाते हैं। तो यहाँ पर वर्धमान पैमाने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि हमको 3 गुना वृद्धि करने के लिए 4 गुने साधनों में वृद्धि करनी पड़े, यानी आगतों में 4 गुनी वृद्धि करनी पड़े। यानी यहाँ आगतों में वृद्धि के अनुपात में निर्गतों में जो वृद्धि होती है वह कम होती है, इसको कहते हैं ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल। एक स्थिति ऐसी होती है कि जिसमें आप जिस अनुपात में निर्गतों में वृद्धि करना चाहते हो आपको उसी अनुपात में आगतों की मात्रा में वृद्धि करनी होती है, इसे हम पैमाने के स्थिर प्रतिफल कहते हैं। तो दीर्घकाल में ये तीनों ही प्रतिफल परिलक्षित होते हैं। देखिए लागत पत्रों के माध्यम से इसे समझते हैं कि कैसे ये तीनों प्रतिफल दीर्घकाल में प्राप्त होते हैं। यहाँ पर आप देखें कि हमने y अक्ष पर लागत को तथा x अक्ष पर निर्गत की मात्रा को लिया है। यहाँ पर दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र तथा दीर्घकालीन औसत लागत वक्र दिखाए गए हैं। आप देखें कि दीर्घकाल में जब हम उत्पादन प्रारंभ करते हैं तो उत्पादन के प्रारंभिक बिंदु पर, मतलब प्रथम इकाई के निर्गत पर, निर्गत की पहली इकाई पर हमारे जो दीर्घकालीन औसत लागत है तथा दीर्घकालीन सीमांत लागत है ये दोनों एक ही होती है। जैसे जैसे हम उत्पादन में वृद्धि करते जाते हैं, निर्गत की मात्रा को हम बढ़ाते जाते हैं, आप देखें कि ये दीर्घकालीन औसत लागत कम होती चली जाती है, लेकिन जो दीर्घकालीन सीमांत लागत है ये उससे भी अधिक कम होती है, ज्यादा कम होती है। अब एक बिंदु आप देखिए, यहाँ पर एक बिंदु M है जो दीर्घकालीन औसत लागत का न्यूनतम बिंदु है। इस बिंदु के पहले तक जो दीर्घकालीन सीमांत लागत है वह कैसी होती है, दीर्घकालीन औसत लागत से कम होती है। और जिस बिंदु पर सीमांत लागत वक्र दीर्घकालीन औसत वक्र को काटता है, इस बिंदु के पश्चात आप देखें कि जो दीर्घकालीन सीमांत लागत है वह दीर्घकालीन औसत लागत से अधिक हो जाती है। तो बिंदु M के पहले जहां पर कि दीर्घकालीन औसत लागत भी कम हो रही है तथा दीर्घकालीन सीमांत लागत भी दीर्घकालीन औसत लागत से कम है, इस स्थिति तक यानी निर्गत के Q1 स्तर तक पैमाने के वर्धमान प्रतिफल या वर्धमान पैमाने के प्रतिफल या बढ़ते प्रतिफल परिलक्षित होते हैं या लागू होते हैं। यानी इस स्थिति में अगर हम उत्पादन में वृद्धि करते हैं तो जिस अनुपात में हम आगतों में वृद्धि करते हैं उससे अधिक अनुपात में हमको निर्गतों में वृद्धि प्राप्त होती है। बिंदु M पर पैमाने के स्थिर प्रतिफल प्राप्त होते हैं, अर्थात बिंदु M निर्गत का वह स्तर है जिस पर हमको निर्गतों में मान लीजिए 2 गुनी वृद्धि करनी हो तो आगतों में भी 2 गुनी वृद्धि करनी होगी, तो बिंदु M पर जो है वह पैमाने के स्थिर प्रतिफल प्राप्त होते हैं। इस बिंदु के बाद आप देखें कि जो आपकी दीर्घकालीन सीमांत लागत है, दीर्घकालीन सीमांत लागत दीर्घकालीन औसत लागत की तुलना में अधिक हो जाती है। इस स्थिति में उत्पादन करने पर पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल प्राप्त होते हैं। ह्रासमान प्रतिफल अर्थात
इस स्थिति के बाद अगर आपको अपने निर्गत में 3 गुनी वृद्धि करनी है तो आपको अपनी आगतों में उससे अधिक यानी 4 गुनी वृद्धि करनी पड़ेगी। यानी निर्गतों में जिस अनुपात में हम वृद्धि चाहते हैं उससे अधिक अनुपात में हमको समस्त आगतों में वृद्धि करनी होगी। तो इस प्रकार दीर्घकाल में पैमाने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं तथा दीर्घकाल में भी जो हमारे लागत वक्र हैं वे लागत वक्र कैसे होते हैं, यू आकार के होते हैं। मतलब दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र तथा दीर्घकालीन औसत लागत वक्र दोनों ही कैसे होते हैं, यू आकार के होते हैं। तो इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो में देखा कि दीर्घकाल में पैमाने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं, ये ह्रासमान प्रतिफल, बढ़ते प्रतिफल तथा स्थिर प्रतिफल तीनों की स्थिति दिखाई देती है तथा जो सीमांत लागत वक्र है तथा औसत लागत वक्र है ये दोनों ही कैसे होते हैं, यू आकार के होते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अपने आगामी वीडियो तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।